तो भाई साहब ये देखो, ये आ गया जी बीच में पास्ता। अभी इसको बढ़िया तरीके के साथ ना इस मसाले में और वेजिटेबल्स में मिक्स किया जाएगा और बनाया जाएगा। तो कुरकुरे मोमोज बनाने के लिए जो क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स थे उसके अंदर मोमोज जो मैरिनेट करके रखे थे उसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डुगर व्लॉग्स। आज हम आपको लेके आए नोविका फास्ट फूड, जहाँ का ना तंदूरी मोमोज और वाइट सॉस पास्ता ना बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे और खिलाते हैं आपको यहाँ के तंदूरी मोमोज और वाइट सॉस पास्ता। तो भाई साहब ये बनाए जा रहे हैं जी कुरकुरे मोमोज। कुरकुरे मोमोज को आप देख सकते हो कैसे बनाया जा रहा है। ये पहले से इन्होंने मसाले का एक बैटर तैयार करके रखा हुआ है, जिसके अंदर ये मोमोज को डिप कर रहे हैं और उसके बाद डाल दे रहे हैं इसको। डिप करने के बाद यहाँ से जो क्रश किए हुए इनके कॉर्नफ्लेक्स हैं उसके अंदर ये देख सकते हो आप, बढ़िया तरीके से एकदम इसकी मैरिनेशन की जा रही है। और मैरिनेशन करते ही साथ ही इसको डाला जा रहा है कॉर्नफ्लेक्स के अंदर, जो कि क्रश करके रखे हुए हैं। तो यहाँ जो मोमोज को मैरिनेट करके क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स में डाला गया था, अब इसको अच्छे से उसमें मिक्स किया जा रहा है ताकि क्रश कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग हो जाए इसके ऊपर बढ़िया। और ये देखो भाई साहब, मोमोज जो कुरकुरे वाले हैं अब बढ़िया तरीके से फ्राई हो रहे हैं ऑयल के अंदर। लगभग 2 से 4 मिनट इसको फ्राई किया जाएगा इसके अंदर अभी। तो अब बनने जा रहा है जी वाइट सॉस पास्ता, जिसके लिए सबसे पहले देखो पैन के अंदर आ चुका भाई साहब बटर। तो खूब सारा इसके अंदर बटर डाल दिया गया है। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। तो अब इसके अंदर ऐड की जा रही है भाई साहब गार्लिक पेस्ट। तो गार्लिक पेस्ट भी डाली गई है इसके अंदर अभी। और ये ऐड कर दिए भाई साहब कैरेट। ये आ गई जी कैप्सिकम। और ये आ गए जी थोड़े से अनियंस। अब डाली जाएगी जी इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी यानी कि कैबेज। अब इसको बढ़िया तरीके से अच्छे से भूना जाएगा ताकि ये वेजिटेबल्स जो है वो पक जाए एकदम अच्छे से। तो अब इसके अंदर ऐड किया जा रहा है भाई साहब पास्ता। और पास्ता ना काफ़ी सारा डाला है इन्होंने, जो कि ना पहले से ही बॉईल करके रखा होता है ताकि जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आए उसी टाइम झटपट से तैयार करके एकदम से बना दें और कस्टमर्स को खिला दें। और ये आ गया जी बीच में पास्ता। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जा रहा है। और ये डाले जाएंगे जी इसके अंदर थोड़े से फ्राइड मशरूम्स। ये आ गए जी फ्राइड पनीर, जो कि सब कुछ इन्होंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। और अभी इसको अच्छे से भूना जाएगा बढ़िया तरीके से। ये थोड़ा सा विनेगर आ गया। और अब डाली जाएगी इसके अंदर जी ग्रीन चिली सॉस, ये आप देख सकते हो। और ये आ गया जी थोड़ा सा नमक। इसको अच्छे से अब ये मिक्स कर लेंगे, जिसमें इन्होंने डाल दिया है जी मैगी मसाला। ये आ गया जी थोड़ा सा चाट मसाला। और ये आ गया जी इनका मिक्स मसाला। अब बढ़िया तरीके से इसको मिक्स किया जाएगा, ये आप देख सकते हो पूरा, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से एक एक कोने में अच्छे से रच जाए। तो अब इसके अंदर ऐड की जाएगी जी खूब सारी मेयोनीज, क्योंकि ये वाइट सॉस पास्ता बन रहा है इसलिए इसके अंदर खूब सारी मेयोनीज ऐड की गई है। तो ये आप देख सकते हो बढ़िया सी मेयोनीज इसके अंदर इन्होंने यूज़ की है। और ये आ गया जी इसके अंदर फ्रेश मिल्क। तो मिल्क डाला जाता है जी वाइट सॉस पास्ता में। अब इसको बढ़िया तरीके से मिक्स किया जाएगा ताकि जो मेयोनीज और मिल्क इसके अंदर डाला है वो बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर जो है ना वो पूरे पास्ता में एकदम बढ़िया वाला आ जाए। तो भाई साहब पास्ता जो है ना वो अब हमारा बनके रेडी हो गया बिल्कुल खाने के लिए। और अब इसको सर्व किया जा रहा है। और भाई साहब 100 रुपये प्लेट है, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये प्लेट। 100 रुपये में ना अगर इतनी सारी क्वांटिटी आपको आपने कहीं खाई है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। काफ़ी क्वांटिटी दी है इन्होंने 100 रुपये में। और साथ ही साथ पास्ता के साथ मोमोज भी तैयार हो चुके हैं। तो मोमोज की भी प्लेटिंग की जा रही है। मोमोज की भी मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। मोमोज की जो कॉस्ट है वो है जी 80 रुपीज़ फॉर 1 प्लेट, जिसमें से कि 10 पीस जो है मोमोज के रहते हैं। और ये देखो बढ़िया से इन्होंने अच्छे से इन्होंने प्लेट लगा दी है। इसमें चटनी डाली गई है, ये ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला आ गया जो कि इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है इन्होंने। और अब इसके अंदर डाली जाएगी जी मेयोनीज, क्योंकि मेयोनीज का जो है आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि मज़ा आता है मेयोनीज के साथ कोई भी चाइनीज़ फूड इंजॉय करने का। तो दोस्तों नोविका फास्ट फूड से जो हमने कुरकुरे मोमोज और पास्ता बनवाया था, दोनों चीज़ें बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब इनको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा टेस्ट है। सबसे पहले तो मोमोज देख लो भाई साहब, कुरकुरे मोमोज। ये मैंने तोड़ दिया मोमोज को और भाई साहब पकड़ने में ही ना काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है। अब थोड़ी सी इसके ऊपर जो है सॉस लगाएंगे
और सॉस काफ़ी देखो बढ़िया क्वालिटी की है। ये इसकी खास बात ये रहती है कि मोमोज की जो चटनी होती है ना, गाढ़ी जितनी ज़्यादा होगी ना उतना ही ज़्यादा खाने का मज़ा आता है। तो थोड़ी सी मेयोनीज लगा लेते हैं। ये देखो बन गई जी बाइट। तो काफ़ी क्रिस्पी मोमोज हैं ये। तो ये इसके अंदर की आप फिलिंग देखो, फिलिंग भी काफ़ी अच्छी की हुई है और पूरी लेयरिंग जो है बढ़िया तरीके से की हुई है इसके ऊपर कुरकुरे मोमोज के लिए जो इन्होंने कॉर्नफ्लेक्स लगाए हैं। तो मज़ा आया इसको खा के। तो मोमोज के बाद अब कर लेते हैं भाई साहब पास्ता का टेस्ट। और पास्ता जो है ना पर्सनली मेरा काफ़ी फेवरेट है। तो पास्ता के ऊपर इन्होंने ना काफ़ी सारी मेयोनीज डाली है। तो बढ़िया सी बाइट बना लेते हैं एक और करते हैं टेस्ट। तो पास्ता का भी मैंने टेस्ट किया, काफ़ी बढ़िया स्वाद है पास्ता का। तो आप भी खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डुग्गर ब्लॉग्स को फॉलो ज़रूर करें।